गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी अयांश क्या कर रहा है, देख सकते हैं कहाँ चढ़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसका आजकल यही काम है, 24 घंटे ऊपर ही चढ़ा रहता है बेड के ऊपर से, और जब फंस जाता है फिर चिल्लाता है मम्मा निकाल दो। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ आने वाला है और सभी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही होगी। तो गाइज जब मैंने अभी शॉपिंग तो नहीं की है, कल अयांश के पापा की छुट्टी होगी शायद, तो क्या पता हम मार्केट जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े देख लूँ, तो क्या पता अगर कुछ लेना होगा तो कल मार्केट जाएंगे तो लेके आ जाएंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो कपड़ों का कलेक्शन है मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देख सकते हैं ये है मेरा सूटकेस, आप लोग भी देख सकते हैं आज मेरी आंटी में क्या क्या कपड़े हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें कि मुझे क्या पहनना चाहिए, तो प्लीज़ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और एक बात और, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना सूटकेस खोलती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। प्रणाम, गुड बॉय, प्रणाम, गुड बॉय, प्रणाम करता है मेरा बच्चा, हेलो भी करता है, बाय बाय। तो गाइस आज मैं अपना भानुमती का पिटारा खोलने वाली हूँ, तो देख सकते हैं आप। हटो ना, छोड़ 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 और टिश्यू। तो गाइस मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कब क्या लिया था मैंने। तो गाइज ये है मेरी येलो कलर की साड़ी, जो कि मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये देख सकते हैं बनारसी साड़ी है और बहुत ही अच्छी है, देख सकते हैं। तो ये तो नहीं पहनूंगी क्योंकि ये मैंने पहले पहनी हुई है, यूज की हुई है, तो इसे तो नहीं पहनूंगी। तो एक मेरी ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये मेरी वैसे फेवरेट साड़ी है, ये मैंने गाइस देख सकते हैं आप अयांश कैसे नीचे गिरा, वो था हुआ अयांश ने अपना बैलेंस बना दिया, नहीं तो इससे चोट लग जाती पर बच गया। बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा आजकल, एक जगह पे नहीं बैठता है, 24 घंटे पानी मांगता है और अपने पूरे बदन पे पानी गिरा देता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसे पानी नहीं दे रही हूँ। बच गया मेरा बच्चा, चोट लगते लगते गाइस ये जानबूझ के परेशान कर रहा है मुझे, पता है आपको। ये और दिन जब मैं खाली टाइम रहती हूँ ना, तो ये बिल्कुल परेशान नहीं करता, जैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ इसका ड्रामा शुरू हो जा रहा है, मैं पीटूंगी यहाँ से आपको। ये मैंने अपनी बहन की हल्दी के टाइम पे ली थी, जो अभी मई में उसकी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने हल्दी के लिए ये साड़ी ली हुई थी। तो ये हो गई है एक, और ये तो मेरी शादी के लहंगे की चुन्नी है, तो ये करवा चौथ पूजा के टाइम पे पहनती हूँ, तो मैंने ये अपने साथ रखी है। लहंगा तो इसका घर पर ही रखा हुआ है, यहाँ नहीं है मेरे पास। तो गाइज पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि गाइज मेरे पास ये बहुत कम कपड़े हैं, यहाँ मेरे सारे आधा से ज़्यादा कपड़े मेरे कुछ करण प्यार में हैं जहाँ मेरी सास रहती है, और कुछ ससुराल में है जहाँ मेरी जेठानी लोग रहते हैं, तो मेरे कपड़े सारे इधर उधर फैले हुए हैं, तो यहाँ मैंने बहुत कम कपड़े रखे हुए हैं। तो गाइज लाइट चली गई थी, शादी की चुनरी है ये देख सकते हैं कितनी प्यारी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, देखिए। तो अब है मेरी दूसरी साड़ी, ये भी रेड कलर की है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हो, ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाइस ये वाली साड़ी, ये साड़ी, तो गाइस ये वाली साड़ी अयांश के पापा ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट की थी, तो आप देख सकते हो ये। और गाइस आपको पता है मेरी ऐसी साड़ियाँ दो हैं, एक जैसी हैं दो, थोड़ा बहुत बॉर्डर का फ़र्क होगा, बाकी ऐसी साड़ी सेम मेरे पास दो हैं, एक मेरे एक अयांश के पापा ने मुझे करवा चौथ पे दी थी और एक मेरे भाई ने मुझे दी हुई है। तो वो साड़ी मेरी गांव में है, मैं उसे नहीं लेके आई हूँ, घर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को वो साड़ी भी दिखाऊँगी अपनी। तो एक ये है मेरी लहंगा साड़ी जो कि ब्लू कलर में है, देख सकते हैं आप, ये है। इस साड़ी को भी मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया है, ये मेरी सास ने मुझे दी थी। तो गाइज एक साड़ी ये है मेरी येलो कलर की है, ये भी देख सकते हो आप, वैसे बहुत सुंदर साड़ी है ये भी मेरी, सिंपल है, ज़्यादा वर्क नहीं है इसमें ज़्यादा, देख सकते हैं आप। बट ये साड़ी मैंने तब खरीदी थी जब मेरी बहन की हल्दी थी ना,
तो जो येलो साड़ी आपको मैंने दिखाई, रेड और येलो साड़ी, उसी टाइम पे मैंने ये साड़ी भी खरीदी थी। पहले यही साड़ी मैंने हल्दी के लिए खरीदी, बट बाद में मुझे पसंद नहीं आया। घर पे आके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि मुझे ये साड़ी पसंद नहीं आई ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरी साड़ी ले लूँ। तो ये साड़ी मैंने अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हुई है, एक दिन भी नहीं पहना है मैंने ये। सोच रही हूँ पूजा के टाइम पे मैं इसी साड़ी को पहन लूँगी। और ये तो ऐसी है साड़ी, ये तो सिंपल ही साड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये जब अयांश हुआ था ना, तो उस टाइम पे अयांश के पापा मुझे लेके आ गए थे। तो एक साड़ी मेरी ये भी है, देख सकते हैं आप, ये भी मैंने यूज़ की हुई है। तो ये देख सकते हैं, ऊपर इसका गोल्डन कलर है और नीचे इसका ऑरेंज कलर है, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये है मेरा गाउन जिसे मैंने सिर्फ एक दिन पहना हुआ है। बुआ के लड़के की शादी थी तो मैंने उस टाइम पे इसे पहना हुआ था, तो उसके बाद से मैंने अभी तक कभी भी इसे नहीं पहना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, है तो ये पूरा सिंपल, ज़्यादा वर्क नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये ऊपर है और थोड़ा सा यहाँ नीचे पे है, और बाकी पूरा ऐसा है, ये देख सकते हैं इस टाइप का है। तो करवा चौथ के दिन घर पे पहनूं, क्योंकि इसे मैंने यूज़ भी नहीं किया और कभी कर भी नहीं पाऊंगी ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसी दिन इसे पहनूं। तो एक ये हो गया है, तो देख क्या पता एक ये है मेरा स्कर्ट टाइप का है, देख सकते हो आप, ये भी बहुत प्यारा है ये है, पर इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा धीमा है, तो इसे तो नहीं पहनूंगी मैं, देख सकते हो बहुत ये है। और नीचे से देख सकते हो इस टाइप का है, देख मेरी शादी का ब्लाउज है, देख सकते हैं। और गाइज आपको पता है ये मैंने खुद ही सिला है, अपने शादी का जो ब्लाउज था ना मैंने खुद सिला था, देख सकते हो आप ये। तो गाइज एक ये लहंगा है मेरे पास, देख सकते हो, देखिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या पहनना चाहिए। गाइस मैंने सोचा है ना कि रात के टाइम पे मैं रेड कलर की साड़ी पहनूंगी और दिन में मैं गाउन पहनूंगी, क्योंकि साड़ी ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाती है ना, तो इसलिए मैंने यही सोचा है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे क्या पहनना चाहिए, और आपको ड्रेस मेरी सबसे अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस यही था, और तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।